मेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, रिवाइज इंडिया आईआईटी जैम सीरीज 2021। इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये कम्प्लीटली फ्री है, आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो डेली प्रैक्टिस पेपर DPP सीरीज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए है ये। उसके बाद रिवाइज एथॉन और रैंकर्स चॉइस। डेली प्रैक्टिस पेपर में आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह एग्जाम कंडक्ट करना है, आपको अपने किस तरह से लेना है। ये 8 से 13 फेब चलेगा, डेट और टाइमिंग इसमें दी हुई है, आप गौर से देख लीजिए। रिवाइज एथॉन में रिवीजन किया कराया जाएगा और रैंकर्स चॉइस में ये ध्यान रखा जाएगा कि आप कैसे अच्छी रैंक ला सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी सभी में ये एग्जाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद को एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पर आपको और भी अच्छे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं CHALKTALK10, आपको क्विज मॉक टेस्ट सैंपल पेपर सब कुछ मिलेगा। चलिए अब मेन वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च वाले फील्ड में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक एग्ज़ाम है CU CET, गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरमान खान एंड यू आर वॉचिंग CHALKTALK ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं आपको CU CET के बारे में ही बताऊंगा। एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी रिसर्च वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एडमिशन मिल सकता है। ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा। सबके सब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इसमें सब कुछ अच्छे हैं, सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कितने प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर्म डेट कब है, कब निकलते हैं इसके फॉर्म और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो डोंट वरी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम नंबर ऑफ कोर्सेज के साथ में। नंबर ऑफ कोर्सेज देखिए, अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो कोर्सेज कैसे रहेंगे, जैसे कि आपको BSc है या आपका आपका जो है BVoc है या फिर ग्रेजुएशन में ही आपका इंजीनियरिंग में आ गया BTech रहेगा आपका या फूड माइक्रो वगैरह। अब इसमें सब्जेक्ट कितने, जैसे कि एग्रीकल्चर है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आपका फूड टेक है, इंजीनियरिंग में सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज रहेंगी। एक पूरी लिस्ट है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है कि कितने कोर्सेज हैं, कितने सब्जेक्ट्स में हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद में अब बात करते हैं अपने मास्टर्स के कोर्स के बारे में, मतलब कि मास्टर्स में देखिए क्या रहेगा। MSc है, MTech है, BEd है और आपका मास्टर्स में जितने कोर्स आते हैं, MPhil वगैरह तो रिसर्च में हो जाएगा, मास्टर्स में जितने भी कोर्स आते हैं उसकी भी एक पूरी इन्होंने लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। लगभग आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन में LLB वगैरह भी मिल जाएगा, मास्टर्स में LLM वगैरह भी मिल जाएगा। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट बात आती है रिसर्च प्रोग्राम में। अब देखिए रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे लेवल के हैं और इनमें एक इंपॉर्टेंट कोर्स और है, एक प्रोग्राम और है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है। उसमें क्या होगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ में आप अपना MSc भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, एक ही साथ दोनों कोर्स चल रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। तो वो वाले सारे ऑप्शन भी हैं इसमें, इंटीग्रेटेड डिग्री वाले, ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में मिला के रिसर्च, मतलब कि आप MSc भी कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड साथ में PhD भी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका MSc के साथ PhD है या MPhil के साथ PhD है या रिसर्च में जितने भी ऑप्शन रहेंगे, PhD बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, MSc है, MPhil है, रिसर्च के भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है CU CET। आपको रिसर्च वाले प्रोग्राम्स की भी लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिए। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है किसी एग्ज़ाम के लिए,
मान लीजिए आप नेट की, JRF की, या IIT जैम की, CU CET की, DU की, जामिया की, BHU की, कहीं की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप अनअकैडमी का मेंबरशिप लेते हैं, बेसिकली अनअकैडमी के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत अच्छे वे में, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, CHALKTALK10, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी और मैं आपको बताता हूँ इसके फॉर्म डेट के बारे में। देखिए, फॉर्म जो है इसका मार्च में आता है, पिछले साल अभी जो कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में थोड़ा सा लेट हो गई थी सारी चीज़ें। पिछली बार इसका 16 मार्च को जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे और अप्रैल में ख़त्म हो गए थे इसके, अप्रैल और मैं बताता हूँ आपको, जून में ख़त्म हो गए थे इसके रजिस्ट्रेशन, थोड़ी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो मार्च में इसके, हो सकता है अभी फेब चल रहा है और मार्च में इसके फिर से जो है फॉर्म आ जाएंगे, आप भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का है, CU CET, और इसका सिलेबस मैं आपको बताऊं। देखिए, जिस कोर्स से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आप रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन करना है तो आपका 12th वाला सिलेबस आएगा, आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपका ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आएगा। कुछ इतना हार्ड सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत इजी सिलेबस आता है, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल इंडिया में आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके अंडर आते हैं CU CET के अंदर, तो लगभग इन्होंने जो लिस्ट दी हुई है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें लगभग इन्होंने 18 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया है, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि इसमें है असम यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, और फिर उसके बाद में गुजरात में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आफ्टर दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उसके बाद में है केरला में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, एक जोधपुर में है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। ये तो कुछ के नाम बताए हैं, लिस्ट पूरी है आपको मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं, जाकर देख लीजिए। और कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो एक कमेंट सेक्शन होता है नीचे, वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको सभी को रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाकर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।